हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनवी2 ब्लॉग्स पर। तो आज हम बात करेंगे हर सिंगार के पेड़ के बारे में, जिसे परिजात या फिर रात की रानी या फिर नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी इस पौधे को अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कुछ स्टेप कि आप इसे कैसे लगाएँ, साथ ही इस पौधे की देखभाल कैसे करें और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभों को पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, ताकि वीडियो में दी गई जानकारी किसी और के काम भी आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिजात या हरसिंगार या फिर रात की रानी कहे जाने वाले इस पौधे के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पौधे का उल्लेख कई बार किया गया है और इस पौधे का बहुत महत्व भी है। और यहाँ इस पौधे से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी हैं, जैसे कि कहा जाता है कि यह पौधा स्वर्ग से आया है, इसे भगवान इंद्र अपने बगीचे में उगाते थे और अप्सरा उर्वशी अपने तनाव कम करने के लिए इस पेड़ की छाया के नीचे बैठा करती थी। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी यह पौधा इंद्रदेव ने श्री कृष्ण जी को उपहार में दिया था, तब श्री कृष्ण ने इसे अपनी पत्नी रुक्मिणी को दिया था। तो बात करते हैं परिजात पौधे घर पर गमले में कैसे लगाना है। ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों की आम धारणा यह है कि परिजात का पौधा एक भारी पौधा है जिसे सिर्फ ज़मीन में ही उगाया जा सकता है या जिसे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है उगाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात सच भी नहीं है। लेकिन कुछ नियम और टिप जो आप ध्यान में रखकर आप इसे अपने घर में गमले में उगा सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी का गमला या फिर सीमेंट का गमला लेना है जिसका डायमीटर कम से कम 12 इंच या उससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा है। वैसा गमला लेना है जिसमें पानी की निकासी के लिए छेद हो, क्योंकि यह गमले में एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए काम करता है। और दोस्तों, बारिश का मौसम सबसे अच्छा होता है किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट को लगाने के लिए या फिर फ्रूट प्लांट को लगाने के लिए। तो मॉनसून सीज़न सबसे अच्छा होता है परिजात के पेड़ को बीज से उगाने के लिए, और अगर आप इसे कटिंग से भी लगा रहे हैं तो मॉनसून का सीज़न सबसे अच्छा टाइम है। पोटिंग मिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 50% नॉर्मल गार्डन सोइल और 50% कोई भी खाद जैसे आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद मिलाकर सोइल मिक्स तैयार कर लें और परिजात के बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई तक सोइल मिक्स में लगा दें और गमले में पानी देके उसे रख दें। और दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप परिजात के पौधे को लगाने से बचें और पौधे में नमी को बनाए रखने के लिए पौधे में ज़्यादा पानी ना डालें। गमले की मिट्टी ऊपर से थोड़ी सूख जाए तभी पौधे में पानी डालें। और अब बात करते हैं परिजात के पौधे या हरसिंगार के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको जब गमले की मिट्टी ऊपरी परत सूखी लगे तभी उसमें पानी डालना चाहिए। परिजात के पौधे को दिन में लगभग 6 घंटे सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, पर गर्मी में तापमान ज़्यादा हो जाता है तो इसे तेज़ धूप से बचाना भी चाहिए। और गमले में कभी भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इससे आपके पौधे को नुकसान होता है, क्योंकि गमले में पानी जमा होने से आपके पौधे की जड़ गलने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। तो गमले में पानी निकासी का रास्ता होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। और दोस्तों, सर्दियों में आप हरसिंगार के पौधे को रोज़ पानी ना दें। होता क्या है कि हम रोज़ पानी देते हैं और पानी सर्दियों में पौधों में जमा हो जाता है, ज़्यादा नमी के कारण पौधा सूखने लगता है। तो सर्दियों में आपको हरसिंगार के पौधे में रोज़ पानी देने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं परिजात के पौधे के आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, परिजात का पौधा या हरसिंगार का पौधा आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पत्ते, तने, जड़, फूल हर प्रकार से यूज़ होते हैं। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आयुर्वेदिक पौधा है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो बदलते मौसम के दौरान खांसी और जुखाम पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसके पत्ते हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके पत्तियों का आयुर्वेदिक टॉनिक बनाया जाता है जो जोड़ों के दर्द और पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। हर श्रृंगार में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो किसी भी अन्य एंटीसेप्टिक की तरह ही स्किन के घाव को भरने में हमारी मदद करता है और स्किन में होने वाली खुजली और रैशेज से भी छुटकारा दिलाता है। हर श्रृंगार के पत्ते का जूस पीने से न केवल आपकी पाचन शक्ति में सुधार आता है बल्कि पेट के कीड़े भी मरते हैं जिससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। और आप अगर अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या फिर आपकी हड्डियों की चिकनाहट ख़त्म हो गई या ग्रीस ख़त्म हो गया तो आप रोज़ खाली पेट 90 दिनों तक पारिजात के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से आपके जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अनगिनत आयुर्वेदिक प्रयोग हैं पारिजात या हर श्रृंगार के पौधे के जिनको आप यूज़ कर लाभ पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रात का टाइम है और हम ये वीडियो रात में शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि पारिजात के फूल रात में कैसे खिलते हैं और इसी वजह से इस पेड़ को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी कलियां खिलने लगी हैं, फूल थोड़े थोड़े खिलने लगे हैं, हर कली खिल रही है, थोड़े थोड़े अभी इनका ब्लूमिंग होने लगी है और ये रात में खिल जाएंगे पूरे और सुबह होते होते सारे झड़ जाएंगे। तो इसी वजह से इस पेड़ को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं फूल कुछ खिल भी गए हैं, ये देखिए ये खिल गए हैं और कुछ खिलने वाले हैं, अभी खिलने की तैयारी में है। ये देखिए आप देख सकते हैं खिलने हैं। ये देखिए दोस्तों फूल खिल रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, कुछ फूल खिल भी गए हैं। तो ये रात में खिल जाएंगे और सुबह होते होते ये सारे फूल झड़ जाएंगे। तो मोस्टली सारे फूल झड़ ही जाते हैं तो इसी वजह से इस पेड़ को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये है दोस्तों हर श्रृंगार का पेड़ जो रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके फूल सारे रात में खिलते हैं और सुबह होते होते सारे ज़मीन में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इस सुगंधित और गुणकारी पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं और इसकी खुशबू अपने घर में फैलने दें। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी किसी के काम आ सके। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।